अग्रणी विज्ञापन कंपनी ग्राफिसेट्स लिमिटेड ने जी फोर्स नाम से भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के साथ एक अभूतपूर्व साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य मीडिया क्षेत्रों के भीतर इच्छुक स्टार्टअप्स को विकसित करना और सशक्त बनाना है। आज हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन जगत और प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान के बीच अंतर को पाटता है। अग्रणी विज्ञापन कंपनी ग्राफिसेट्स लिमिटेड ने जी फोर्स नाम से भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के साथ एक अभूतपूर्व साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य मीडिया क्षेत्रों के भीतर इच्छुक स्टार्टअप्स को विकसित करना और सशक्त बनाना है। आयु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन जगत और प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान के बीच अंतर को पाटता है। ग्राफिसेट्स के चेयरमैन मुकेश गुप्ता ने कहा कि यह सहयोग भारत के एक विशेष प्रयास का प्रतीक है, जो मीडिया स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के साथ विज्ञापन एजेंसी का मेल है। अपनी मजबूत मीडिया उपस्थित, ग्राहक संबंधों और व्यापक नेटवर्क के साथ हम आने वाले 3 वर्षों में लगभग 100 करोड़ के साथ स्टार्टअप्स की सफलता की अनेक कहानियां लिखने के लिए तैयार है। IIM लखनऊ एंटरप्राइजेस इंक्यूबेशन सेंटर अरुणोदय वाजपेयी ने कहा कि हम ग्राफिसेट्स जी फोर्स के सहयोग से मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप का स्वागत करते हैं। उद्योग तेजी से 1,00,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है, इसमें विकास की अपार संभावना है। हमारा ध्यान इवेंट ऑटोमेशन, प्रभावशाली मार्केटिंग, एडटेक, डिजिटल OH प्लेटफॉर्म, प्रोग्रामेटिक मीडिया और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के सहित अनेक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से हमारा लक्ष्य स्टार्टअप को बड़े बिजनेस के लिए तैयार करना है। बेसिकली आज हमारा IIM लखनऊ के साथ एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें हमारी ग्राफिसेट्स कंपनी का एक विंग है जी फोर्स और IIM लखनऊ दोनों मिलकर के एक स्टार्टअप फंडिंग का प्लान किया है, और उसमें मीडिया रिलेटेड जो भी स्टार्टअप होंगे उनको हम फाइनेंस करेंगे, उनको पूरा गाइड करेंगे कि जिससे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकें। आज मीडिया सिर्फ न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी तक सीमित नहीं है, मीडिया बहुत तेज़ी से फैल चुका है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा बन चुका है। इसके अलावा OTT टीवी चैनल्स भी, किसी टाइम में सिर्फ दूरदर्शन होता था, आज हजारों चैनल हैं। तो मीडिया में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मौका है, और स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और वो मीडिया में भी बहुत स्टार्टअप आना चाहते हैं, लेकिन फंडिंग प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि उनके हैंड होल्डिंग हो, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा पाएँ, उन्हें फुल गाइडेंस दें, उन्हें मार्केटिंग की सपोर्ट दें। तो ये हमारा मेन पर्पस है, और IIM बहुत अच्छे से इसमें जुड़ा है, और हमारे इस वेंचर में मीडिया रिलेटेड टॉप प्रोफेशनल्स वो हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्टार्टअप्स को पूरा गाइड करेंगे। देखिए, योजना तो सबसे पहले ये है कि मीडिया एज अ डोमेन में अभी तक कोई भी स्टार्टअप फंड नहीं बन पाया है, क्योंकि मीडिया बड़ा निकलेक्टेड स्पेस है इस पूरे डोमेन के हिसाब से। तो हमारी सबसे पहले आशा यही है कि जिन बच्चों को, जिन एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, हम उनको फंडिंग और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारा खुद का मीडिया का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 50 साल से हम मीडिया में रहे हैं और हर तरह के मीडिया में एक्टिव रहे हैं। तो जो न्यू एज मीडिया है, जो डिसरप्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम हैंड होल्डिंग करें, फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे और साथ के साथ मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। I am an analyst at AWE Funds, Achieving Women's Equity. To give you an introduction of it, we focus on climate action, impact investing with a focus on women's equity and promoting gender equality. So the sectors we focus on are climate, tech, health tech, agri-tech with a focus on technology. So yeah, that's... Prashant, I am LEIC ka business head.
इस इन्वेस्टर मीट 2.0 में जो कि मोर देन 50 इन्वेस्टर्स 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए हैं, 60 से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ने यहाँ पे आए हैं और हम इस इवेंट में मीडिया टेक एक्सेलरेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया है अलॉन्ग विद द न्यू प्रोग्राम ऑफ 101 कोहर्ट जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कोहर्ट लॉन्च किया है। इस इवेंट में 15 स्टार्टअप लाइव पिच करेंगे मोर देन 55 इन्वेस्टर्स के सामने और हम ये अपेक्षा करते हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट होगी आज हमारे स्टार्टअप्स के लिए। और मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स करने से स्टार्टअप फाउंडर्स को, स्टार्टअप्स को, उद्यमियों को और सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स जो इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं इन सभी को फ़ायदा होगा और हम प्रधानमंत्री के जो हमारा सोच है प्रधानमंत्री का स्टार्टअप इंडिया के थ्रू लोगों को स्वावलंबी बनाना उसके लिए हम कार्यरत रहेंगे आगे भी। हम सभी का धन्यवाद करते हैं इस इन्वेस्टर मीट में सम्मिलित होने के लिए। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।